हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क के बारे में। तो आइए चलते हैं। सार्क को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका नाम है, और इसको ढाका में फाउंड किया गया था 1985 में। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू में है, ठीक है। इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान लेटेस्ट ज्वाइन किया गया किया था अफगानिस्तान ने 2007 में। और इसके दूसरे मेंबर्स हैं भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है। म्यांमार और चाइना इसके मेंबर्स नहीं हैं, तो ये नोट कर लेना। और ये रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और जियोपॉलिटिकल यूनियन है साउथ एशिया की। इसको 9 ऑब्जर्वर भी हैं इसके, तो वो एक बार नोट कर लो। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, ईरान, मॉरीशियस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रीजनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। इससे रिलेटेड, सार्क से रिलेटेड एक साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्ता एक एग्रीमेंट था जो लॉन्च किया गया था 2006 में। सार्क के साथ ही एक चीज़ आती है जो जिसको हम बोलते हैं साउथ एशिया सैटेलाइट। ये इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था। ये सभी कंट्रीज सार्क की इसको यूज़ करेंगी एक्सेप्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को इससे इससे दिक्कत थी, लेकिन पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है, इस सैटेलाइट का पार्ट नहीं है। जो इसका प्लान था सैटेलाइट का, वो 2014 में अनाउंस हुआ था सार्क सबमिट में। इस सैटेलाइट को GSLV-F09 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस ये सैटेलाइट कौन फुल रेंज ऑफ एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती है, किस फील्ड में? टेली कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन की फील्ड में, और स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन और डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के रिलेटेड में ये सैटेलाइट यूज़ में आएगी। अभी के लिए थैंक यू।